नमस्कार, नवभारत टाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश्वर कुमार। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में पुलिस एक युवती के साथ बदसलूकी कर रही है। युवती को पुलिस अपने साथ घसीट कर ले जा रही है। पूरा मामला धूमा थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती का है, जहां पर पुलिस और राजस्व अमले की टीम अतिक्रमण को हटाने गई थी। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि पुलिस ने इसे लेकर कोई पहले नोटिस नहीं दिया था और पुलिस की टीम उनके घरों को उजाड़ने पहुंच गई। इस दौरान परिवार के लोग अपने घर को टूटते देख विरोध करने लगे। युवती भी राजस्व अमले और पुलिस की टीम का विरोध कर रही थी। पुलिस का आरोप है कि युवती ने खुद पर इस दौरान हमला कर लिया है, साथ ही पुलिस की टीम पर भी हमला किया है। खुद के हमले में युवती घायल हो गई है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन वायरल वीडियो से यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर युवती के साथ पुलिस का ये व्यवहार कैसा है, क्योंकि पुलिस की टीम उसे घसीट रही है और इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम की तरफ से इस पूरे मामले को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि जिस राज्य में कोई भी सरकारी काम की शुरुआत पहले कन्या पूजन से होती है, उस राज्य में कन्याओं के साथ ये व्यवहार पुलिस का कैसा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस और राजस्व अमले की टीम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले से कोई नोटिस नहीं भेजा था।